चलिए भाई, क्या करना था तुम आपका क्या अब तक था? मैं तो भूल रहा हूँ। सर मुझे एक छोटा सा डाउट था सर। छोटा सा नहीं बताऊंगा, बड़ा डाउट हो तो बोल। अरे सर वो तो आपके ऊपर है सर, आपके लिए छोटा भी हो सकता है, मेरे लिए तू बड़ा कैसे है। डिसाइड कर रहा है? इसे बोल, सीधा डाउट बोलना, तू क्यों छोटा बोल डाउट रहा है, है? डाउट है सर। हाँ बोल। सर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया 3 LED के साथ और एक रेजिस्टर के साथ, और सर स्विच एक ऑन एलईडी के किया। साथ। हाँ सर, हाँ तो सर वो 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल सही जली, उसके बाद डिम हो गई। तो हाँ सर बंद क्योंकि हो गई, डिम भी हो गई। नहीं सर डिम हुई ना, उसकी चार्जिंग शुरू हो रही है क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग लग रही है। वो चार्जिंग तो तुरंत हो जाएगी, तो 1 सेकंड बोल रहा ना, 1 सेकंड से कम हो जाएगी तुरंत। तुरंत हो जाती है सर। सर उसके मेरे पास सर पूरा सर्किट मैंने बनाया था, मैम को दिखाना था, लेकिन सर वो थोड़ी देर बाद एलईडी बंद हो जाती है, ये समझ हाँ नहीं आया क्यों हो रही है। क्योंकि वो चार्ज हो गया कैपेसिटर। आप कैपेसिटर कोई भी चार्ज फ्लो होने नहीं देगा, तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, तो एलईडी बंद हो जाएगी। तो सर ये दिखाना है फिर, कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कैसे करेगा, ये कैसे दिखाऊंगा मैं? बैटरी को हटा दो और डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही आप उसको डायरेक्टली एलईडी और रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे, तो तुरंत फिर से एलईडी जलने लगेगी, और तब तक जलेगी जब तक कि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। तुरंत कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर एलईडी बुझ जाएगी। ठीक है सर, मतलब जब पूरी तरीके से एलईडी बुझ जाती है, मतलब चार वो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर चुका है। शॉर्ट सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट एक अलग चीज है। आप बोलते मतलब हैं कंटिन्यूअस कनेक्शन डिस्चार्ज टूट नहीं, चुका राइट? है। एक कैपेसिटर को जब आप एक एलईडी से कनेक्ट करोगे, तो एलईडी से कनेक्ट करोगे मतलब बेसिकली आप बैटरी के काम करेगा। वो बैटरी को एलईडी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी चलेगी ना, तब तक की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। सिमिलरली यस सर, देखो ऐसा होता है, एक कैपेसिटर लिया, मान लो ये एलईडी या ऐसा कुछ भी ले लिया, जब आपने बैटरी को कनेक्ट किया, जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो, तो देखो होता क्या है कि जैसे आपने बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ पे जीरो चार्ज था, यहाँ पे भी जीरो चार्ज था। जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, चार्ज यहाँ से खींचने लगेगा, बैटरी यहाँ से खींचेगा, यहाँ चार्ज लेके आएगी, तो कुछ चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ से चार्ज खींच गया माइनस क्यू, मतलब ये चार्ज फ्लो हो रहा है ना। चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप बोलो करंट फ्लो हो रहा होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो अपने सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं आता, जेई में पूछते हैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी फास्ट होता है, आप बोलोगे ये प्लस क्यू का जाएगा, ये माइनस क्यू का जाएगा, फुल्ली चार्ज हो गया। अब कोई भी आप क्या बोलो, फुल्ली चार्ज हो गया ना, तो आप बोलोगे जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा, इसमें करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस था, वही अब इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस जीरो, इसके अक्रॉस जीरो मतलब आईआर की वैल्यू जीरो, मतलब आई की वैल्यू जीरो। अब आप बैटरी को हटा दो, आपस में कनेक्ट कर दो, जैसे ही आपस में कनेक्ट करोगे, तो तुरंत ये क्या है, एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, और बैटरी की तरह तुरंत करंट ये इस डायरेक्शन में फ्लो कराने लगेगा, तो तुरंत इससे करंट फ्लो होने लगेगा। कब तक करंट फ्लो करेगा, जब इसके पास क्या है, चार्ज रहेगा, ये पूरा का क्यू प्लस क्यू इधर नहीं पहुंच जाता, माइनस क्यू न्यूट्रल नहीं हो जाता, मतलब पूरा का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही डिस्चार्ज होगा, आप बोलोगे सर नाउ द करंट विल स्टॉप, ठीक है? ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट होता है, दोनों एंड्स को आपस में कनेक्ट, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? ठीक यस सर, है, तभी बोला जाता है इनिशियल। आप बोलते हो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, सॉरी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि सर टी इक्वल टू जीरो पे इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, टी इक्वल टू जीरो पे आप कैपेसिटर को भूल सकते हो, की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग, ये शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हो कि सर दोनों कैपेसिटर को हटा के दोनों के पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दो टी इक्वल टू जीरो पे, जब तक कि आप बोलते हो आई की वैल्यू कितनी होगी, सिंपली डी बाय। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम होगा, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं बिहेव करेगा, अब आप बोलोगे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो आप बोलोगे आई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर। कम होते 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 आप बोलोगे जैसे ही टी इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत देर बाद, देखिए 99% तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है,
है ना, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में चार्ज हो जाएगा, लेकिन फिर 99 से 100 जाने में उसे बहुत स्लो चार्जिंग हो जाती है। तो आप बोलते हो कि इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज होता है, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे आप बोलते हो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, जब ये फुली चार्ज हो चुका है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोई भी आपका सर्किट में करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप बोलते हो आई की वैल्यू क्यों जाएगी, जीरो हो जाएगी। टी इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है आफ्टर स्टेडी स्टेट बोल दो, या फिर आफ्टर चार्जिंग प्री चार्जिंग बोल दो, है ना, हम उसको टी इक्वल टू इनफाइनाइट बोल देते हैं, मतलब काफी देर बाद। पर ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट के बाद ही होगा, मतलब काफी देर नहीं, सिग्निफिकेंट टाइम बाद होता है, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो समझ जाते हैं कि हम इनफाइनाइट मान लेते हैं उसको। क्लियर? सर यही काम मोटर के साथ होता है तो उसमें उल्टा होता है सर, मोटर 1 सेकंड के लिए चलती है उसके बाद बंद हो जाती है। सर मोटर कहाँ आ गई, कौन मोटर के साथ सी भी मैंने मोटर? लगा के देखा था सर, हाँ अपनी मोटर, एसी कौन मोटर सी मोटर? थी, एसी मोटर हाँ अबे एसी, एसी ऑल्टरनेटिंग। अभी एसी, एसी में पहुंचे क्या यार, एसी का कंसेप्ट भी नहीं पता तेरे को यार, है ना। तो अभी एसी बहुत दूर की बात है यार, ये एसी भी अभी, ये सिर्फ डीसी की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ पे एसी लगाया क्या करूँ, ठीक है सर, एसी बहुत अलग है। एसी में कैपेसिटर तभी भी फुल्ली चार्ज रहेगा ही नहीं, एक बार चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, ऐसा हो जाएगा फिर तो, हाँ अगर सर एसी मैं एसी बताऊँ चला मैंने जाएगा क्या तो। देखा, क्या बोल रहे हो, सर मैं बताऊँ मैंने क्या देखा इसको देखिए तुम्हें, सर, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे 1 सेकंड के लिए वो घूमता है मोटर कैपेसिटर के एक साथ, सेकंड मतलब के लिए 1 सेकंड के लिए मोटर घूमती है और उसके बाद हाँ, सर बंद हो जाती है। उसके बाद बैटरी को अगर उल्टा करके लगा देंगे तो फिर वो उल्टे डायरेक्शन में 1 सेकंड के लिए घूमती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। क्योंकि तुम एक एसी मोड, तुम एसी से कनेक्ट कर रहे थे कि डीसी से, सर नहीं पता। बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे, बैटरी से, हाँ सर बैटरी और बीच में कैपेसिटर। हाँ तो यही हो रहा होगा फिर तो वो कैपेसिटर की वजह से हो रही होगी, थोड़ा सा घूम रही होगी, कैपेसिटर चार्ज हो जाता होगा, वैसे ही बंद हो जाता होगा, फिर आप उसे उल्टा कनेक्ट कर देते होगे, तो फिर से क्या होता था, कैपेसिटर बैटरी उसको उल्टा चार्ज करती होगी, कैपेसिटर को आगे लेके जाएगी, तो थोड़ा फिर से चार्ज होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जीरो हो जाएगी, फिर से कैपेसिटर वो मोटर बंद हो जाएगी, तो ये हो रहा होगा वो। ठीक है, ठीक है सर, ओके बैटरी सर, इज डीसी, बैटरी इज डीसी, ध्यान रखना, बैटरी प्रोवाइड डीसी। यस चलो, सर, तो व्हाट वर यू टॉकिंग, क्या बातें चल रही थी लास्ट क्लास में, सर आपने R इज इक्वल टू MV/Q भी बता दिया था। चलो अच्छी बात है। तो बेसिकली हमने बात की थी, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी थी, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री थी, मैं एक बार फिर से कुछ रीजन के साथ आगे बढ़ूंगा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये है, तो आप बोलोगे बी की वैल्यू ये है, दोनों कोपेंडेंट हैं, ठीक है, चार्ज है, तो आप बोलोगे फोर्स जो होता था, तो बेसिकली आप बोलोगे जो फोर्स होता था वो फोर्स कैसा लगेगा, क्यू वी, बिकॉज साइन 90 इज 1, ठीक है। आप बोलोगे पाथ कैसा मूव करेगा, ये सर्कुलर पाथ, पाथ ये कैसा होगा, सर्कुलर पाथ, राइट, और उसका रेडियस हम निकाल चुके थे आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, क्लियर है, ऐसे सर्कुलर पाथ होता रहेगा, आप इसको ड्रॉ करोगे तो उसी के अक्रॉस ऐसे आएगा। मतलब अगर मैं इसको घुमा दूं, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर की तरफ कर दिया, वेलोसिटी डायरेक्शन अभी भी रखती है, तो आप क्या बोलोगे, जो सर्कुलर पाथ में ऐसे बताने वाला था वो बेसिकली आप कैसा दिखेगा, इस तरीके से आपका सर्कुलर पाथ दिखेगा, राइट। अच्छा टाइम पीरियड की बात कर लो,
एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज वी बाय आर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो देखो कितना है, वी बाय आर, तो आएगा क्यू वी बाय एम। ओमेगा इक्वल टू क्यू वी बाय एम। मैंने कहा सर अगर टाइम पीरियड की बात कर लो, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर लो, ये सब बातें कर ली थी क्या हमने? टाइम टू पीरियड पाई नो रेवोल्यूशन सर की, मुझे तो बोलोगे टू पाई आर बाय बी। इसकी वैल्यू उठा के रखोगे तो टी की वैल्यू आ रही है देखो, टू पाई एम बाय क्यू वी। ठीक फ्रीक्वेंसी की बात कर लो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T, तो दैट इज इक्वल टू क्यू बी बाय टू पाई एम। ये कुछ फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख भी रहे होंगे। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं कि सर सबसे पहले तो ये देखिए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी में कहीं पे वेलोसिटी नहीं आ रहा, कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया भाई? अरे किसी को स्क्रीन ब्लर आ रही तो रिकनेक्ट कर लो, इट इज कमिंग क्लियर। आ रही है सर। मैंने बोला कि सर यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं आ रहा है। क्या अभी आ रहा है कहीं पे? नहीं। इट मींस आप इसे नोट तरह लिख सकते हो कि द टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका मतलब क्या है कि आप एक ही पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी से एंटर कराओ, चेंज कर दो, कम ज्यादा कर दो, ठीक है, थीटा एंगल 90 डिग्री रखोगे तो भी टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल चेंज बट द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि सर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो अपन हमारा एंगल्स की बात करेंगे। एनी डाउट्स? अरे भाई कोई डाउट है क्या? नोट नो डाउन सर। चलिए, यहाँ पे कोई झंझोट करके बच्चा है क्या? यस सर। आर यू बिटनिंग झंझोट? यस सर। यस। Why don't you ask questions ever? I haven't heard any question from your side. या तो पूरा समझ में आ रहा है? कुछ यस और सर। बच्चे भी हैं मेरी नोटिस में, ऋतिक मेहरा, स्टूडेंट विद द नेम ऋतिक मेहरा है क्या? नहीं है? तो बच्चे हैं जिनके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं आपसे ऋतिक, मेरा माइक नहीं चल रहा। अरे नहीं चल रहा तो डाउट वाउट कैसे पूछोगे भाई, है ना? तुम्हारी तरफ से भी कभी डाउट नहीं आता? या तो आप लोगों को फिजिक्स पूरा समझ में आ रहा है, क्यों नंजोत पूरा फिजिक्स समझ में आ रहा है? सर आगे ऐसा बात कर नहीं लेते है, हैं। बट सर जो आप पढ़ाते हो सर वो आता है। अच्छा, टेस्ट यस सर। में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं? आर यू हैप्पी विद योर मार्क्स? हाँ सर। और नहीं भी
नॉट सर एवरेज। ठीक ही आ रहे हैं सर, अभी ठीक तक आ तो रहे हैं, ठीक ही चल रहे हैं। चलो। आई होप कि आपसे मैं आगे थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखूं, है ना? आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे ज्यादा मिले आगे की क्लासेस में। आपसे ही बोल रहा हूँ ऋतिक मेहरा, ठीक है? और भी जो बच्चे हैं, मैं आपसे दो बच्चों के नाम ले रहा हूँ, मैं आगे और भी बच्चों के नाम ले सकता हूँ, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। रैंडमली मैं किसी भी कुछ बच्चों के नाम लेके आपको फाइंड आउट करूँ, अच्छा है कि आप खुद मुझसे डाउट पूछे। देखो यार, आउट ऑफ 50-60 स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट सिंगल वन, है ना? तो कुछ लोग तो पूछते रहते हैं, कुछ नहीं, काफी लोग। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज द क्लास, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द क्लास जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और मुझे उसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे मालूम है कुछ लेक्चर मेरा पूरा का पूरा चला गया डाउट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है? आप हो सकता है कभी कभी मैं आपके डाउट्स पे, क्योंकि बहुत सिली हूँ, आपके नोट भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके नोट्स में से डाउट पूछे, तो कभी मैं आपको डांट भी दूँ, होता भी है ना? हमारे गुप्ता जी डांट खाते भी रहते हैं, बट यस सर, दैट है ना, बट दैट स्टॉप हिम फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, एंड आई एम दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है? वो मोटिवेट रहता है हमेशा, आपको तो डीमोटिवेट नहीं होता कि हाँ सर, क्योंकि उसके डाउट उसे मालूम है कि भाई डाउट पड़ जाती है, या तो वो सिली मिस्टेक के डाउट पूछ रहा है, या फिर ऐसे डाउट पूछ रहा है जो शायद क्लास में हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? कुछ चीजें होती हैं जो स्कोप के बाहर चली जाती है, मैं उनको हमेशा रोक देता हूँ क्लास में, क्योंकि बाकी लोगों के हिसाब से मुझे चलना होता है। सबसे पहले चीज, मुझे आपकी तरफ से डाउट आने चाहिए, ठीक है? सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, एक दो लोगों को मैंने जरूर पॉइंट आउट किया, तो स्पेशली चलिए खैर। सर हाँ जी बेटा, ये अमन चलो मैं पॉल के दूर। क्वेश्चन पे मेरे को एक डाउट हो रहा है सर। अगर मैं बोल बोल किसी क्या, कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या उसमें किसके करंट पैरेलल दुगना में? हो जाएगा? किसी कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो हाँ क्या उसके आई करंट दुगना हो जाएगा? क्योंकि सर वोल्टेज दुगना हो जाएगा, क्या क्या दुगना हो जाएगा? वोल्टेज 2 टाइम्स हो जाएगा ना। वोल्टेज 2 टाइम्स हो जाएगा? आप एक बार बना के तो देखिए, एक कैपेसिटर को पहले बैटरी से कनेक्ट करिए। आप इसकी बात कर रहे हो? यस सर। हाँ अब बोलो। सर एक तो कैपेसिटर भी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है और एक बैटरी भी बना रहा है, इसलिए करंट दुगना हो जाएगा ना। कितना पोटेंशियल ड्रॉप है रजिस्टर के क्रॉस? वी तो फिर करंट दूना कैसे हो जाएगा? अच्छा सर, अब दूसरी बार अब कैपेसिटर भी तो बनाने लगा दोबारा मैं। दूसरे बार? दूसरी बार का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ चेंज करूं? क्योंकि सर अब कैपेसिटर कभी फुल तरीके से चार्ज हो ही नहीं पाएगा। अरे तो चार्ज है ना, वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो चार्ज होके चुपचाप बैठा रहेगा, तो इसीलिए आप बोलोगे थोड़ी देर बाद ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होना भी चाहिए। ये देखो ये वायर है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, अबे अच्छा बता भाई, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। हाँ भाई साहब, करंट बताइए इसमें जरा। सर वो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट करके निकाल लेंगे जो आपने सेल में पढ़ाया था, मुझे आंसर चाहिए, जैसे निकाल पाए वैसे इक्विवेलेंट निकाल। सर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा पहली बात। अबे मैंने तो 10 वोल्ट बोल दिया, मतलब 0 है, खत्म बात। तो 20 हो जाएगा। मुझे ये बता, आई की वैल्यू निकाल के वो मार दूंगा नहीं इसे, है ना? अभी थप्पड़ आया पीछे के कान के नीचे। आई की वैल्यू चाहिए, जो करना है वो कर, फिर बातें करेंगे, पहले आई की वैल्यू निकाल के दे। यार नहीं हो रहा सर, कॉल भी नहीं बन रहे थे? मतलब 20 हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या
बोलना चाह रहा है यार। सर ये क्या कहते हैं, जो बैटरी है सेल्फ वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपने जो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया था पैनल में इसमें। कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेना भाई। इनका पहले इंटरनल रेसिस्टेंस तो बता दीजिए, तब निकाल पाऊंगा। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है। ले यार ले, तुम भी क्या यार, ये ले मान मान ले, ले मानो ले, खुश रह। सर 5 एम्पियर आ रहा है, फाइव कह रहा है एम्पियर अच्छा अब बता भाई कितना। पहले तो 5 एम्पियर नहीं आएगा यार, पता नहीं कैसे निकाला तुमने। बस ई करंट निकालेगा तो ई करंट 10/1 + 10/1 क्या है, ई बाय आर। और आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/1 मतलब 1/2 ओम, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर, तो आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बेसिकली आप बोलोगे ठीक है इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 चलो 5 आ रहा है राइट। अब आप जरा इसका बताओ इसका कितना आ रहा है। सर, इसका भी आएगा 5। तो भाई साहब एक बैटरी लगाओ या दो बैटरी लगाओ, बढ़ गया क्या करंट नो सर, पैरेलल में लगे भाई साहब। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि भाई साहब यहाँ 10 बैटरी लगा दूं मैं, अगर इनका सबका पोटेंशियल वी है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल वी रहेगा, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल वी रहेगा तो इसके अक्रॉस करंट आ ही रहे, वो आ ही रहेगा ना यार। ये दोनों सेम पैरेलल नहीं होगा कैपेसिटर, ये बैटरी और ये बैटरी पैरेलल जैसी हो गई। कैपेसिटर अगर बैटरी का काम करेगा भी तो कर नहीं पाएगा ना यार, क्योंकि उसके अक्रॉस ये पोटेंशियल वी मेंटेन रहना है। तो ये डिस्चार्ज तो तब होगा जब इसके पास पोटेंशियल कम होगा, वो हो नहीं पाएगा, बैटरी मेंटेन करके रखी हुई है। समझो ओके सर, तो आप अगर इस बैटरी को हटा दो आप कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से। समझो तो बैटरी का काम है इन दो का पोटेंशियल वी मेंटेन करना 10 वोल्ट। सर कैपेसिटर में ऑलरेडी यहाँ 10 वोल्ट है, जब इन दो पॉइंट का आप बोलते हो पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो करंट कैसे फ्लो कराएगा ये कैपेसिटर, बैटरी ही कराएगी ना यार। ओके 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 समझो ओके, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं जो दिखता है वो बिकता नहीं है भाई साहब। और मैं ऐसा लगा तो कि 10-20 मैंने 40 बैटरी लगा दी सबका इफेक्ट सेम होगा, भाई साहब सबका इफेक्ट एक ही रह जाएगा। चलो क्या सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ सर मैंने कहा आप सर केस हमने पहला लिया था केस 2। केस 2 अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, आप बोलते हो कि सर साइन 0 और साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। दैट मींस जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। तो पाथ कैसा फॉलो करेगा, आप बोलोगे सर वेलोसिटी में कोई चांस कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब समझ लो वेलोसिटी भी अगर मैग्नेटिकली इधर है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी या इसकी ऑपोजिट होगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आप पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, फोर्स 0 रहेगा। मतलब आप बोलोगे जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यहां तक किसी कोई दिक्कत, एक आउट्स बोलते रहा करो भाई। नो क्लियर सर, है सर। ठीक है टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग ऑन द केस 3।
Now theta is not 0 degree, 180 degree and 90 degree. Theta की value इन तीनों में से कुछ भी नहीं है. इसका मतलब आप बोलोगे कि बाकी अगर triangles की बात करते हैं. That means suppose that the magnetic field is in this direction, velocity is in some this direction. देखिए angle की value some theta. Any problem till now? I think no. Now the thing is, इस velocity के दो component हो जाएंगे. ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज कॉल्ड वी पैरेलल और वी कॉस थीटा. सिमिलरली आप बोलते हो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इज कॉल्ड वी परपेंडिकुलर और इज इक्वल टू वी साइन थीटा. वी पैरेलल मतलब पैरेलल टू दी बी. मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है ये कंपोनेंट और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उस पर एक फोर्स लगता है. उसकी वजह से इस वाले की वजह से ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, जबकि इस वाले की वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा. क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो बेसिकली आप बोलते हो जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का पाथ फॉलोड वो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ. कौन सा पाथ बोलेंगे? हेलिकल पाथ. गोविंद गुप्ता जी यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, मैंने रोटेट कर लिया है. चलो मैंने कहा सर देखिए इसके दो कॉम मतलब सर्कुलर मोशन भी होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा. इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो देखो कुछ पाथ कुछ ऐसा दिखेगा. ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा समथिंग लाइक सर्कल भी होता जाएगा और आगे भी बढ़ता चला जाएगा. देखो सर्कल किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से. तो आप बोलोगे कि सर रेडियस कितना आएगा सर्कल पास, जो सर्कुलर पास का रेडियस कितना आएगा? आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू एम. तो बी की जगह पे यहाँ पे बी परपेंडिकुलर आ जाएगा. जो जो कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करा रहा है वो कौन सा है? बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. दैट इज आर एम डी परपेंडिकुलर एंड दैट इज इक्वल टू एम डी साइन थीटा बाय क्यू. Who is responsible for time period? Obviously this component. तो आप बोलोगे time period यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2 pi r upon v. v कौन सा? v perpendicular. ठीक है? v perpendicular circular motion का है तो circular motion का time period भी तो v perpendicular पे depend करेगा. इसको solve करोगे तो देखो कितना आ जाएगा. हाँ भाई साहब 2 pi m by q v. अगले दिन ना से कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट आई नहीं. करेक्ट सर. हाँ सर, जो हमारा सर्कुलर आया था पास वो तो 90 डिग्री वाले में भी आया था ना, सबसे पहले वाला जो लिया था. तो बेटा 90 डिग्री वाले तो केस हुआ, ये जो वाला कंपोनेंट है वो पीछे 90 डिग्री पे जो है ऊपर वाला कंपोनेंट. यस सर. अभी तो उसको वी परपेंडिकुलर बुलाया. वी परपेंडिकुलर मीन द पार्ट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द वी. तो अभी तो बोला कि ये वी परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन करेगा और ये वाला कंपोनेंट इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा. तो क्या होगा? सर्कल भी करते जाओगे और आगे भी बढ़ते जाओगे. एंगल इज जीरो टू मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज दिस एंगल टू जीरो इज मैग्नेटिक फोर्स. कौन क्या पूछना चाह रहे हैं? शुभम यादव. अरे भाई साहब मुंह से बोल दिया करो. किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भाई? सर इस वाले क्वेश्चन में नहीं सर, वो पिछला आपने जीरो एंगल वाला कराया था ना जीरो डिग्री पे, तो सर वेलोसिटी तो बढ़ेगी उसकी. सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा सर जब पार्टिकल, वेलोसिटी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए तुमको? एक्सीलरेशन सर. फोर्स. हां फोर्स चाहिए. फोर्स तो जीरो आया था. अच्छा मैग्नेटिक फोर्स ठीक है सर. पिछले केस में फोर्स कितना आया था? जीरो आया था कि नहीं आया था? ओके सर. याद नहीं है? पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग सी. किसी भी एंगल पे चले जाओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ा ही नहीं सकता जिंदगी में, छेड़ ही नहीं सकता. वो एंगल तो छोड़ दो, उसमें तो फोर्स ही जीरो था, है ना? मैं तो कहता हूँ किसी भी एंगल पे चले जाओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज कर ही नहीं सकता. ओके सर. चलो बाकी बातें करेंगे. क्यों नहीं कर सकता? एक ब्रेक के बाद. हाँ भाई साहब.
तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर पोर्शन में लगाने की कोशिश करेगा, देखो वही प्रोजेक्टाइल जैसा है ना भाई साहब, दो मोशन होते थे एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन वाला जैसे ये परपेंडिकुलर मोशन वाला बी के परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर पाथ करवाएगा और बी के अलोंग वाला इसको स्ट्रेट लाइन कराएगा, तो मोशन कैसा हो जाएगा दोनों का मिक्सचर, उसी को बोलते हैं हेलिकल। मैंने कहा टाइम पीरियड कितना आएगा, तो बाय बाय एम क्यू बी। मैंने कहा सर एक सर्कुलर पाथ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से दो सर्कुलर पाथ के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फिक्स। फिक्स बेसिकली क्या है, इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग बी इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में आप बी के अलोंग कितना आगे चले गए उसी को बोलते हैं पिच, है ना, तो आप बोलते हैं इसको बोलते हैं पिच। तो मैंने कहा पिच निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ से टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड निकाल लो, कोई कुछ पूछा कर रहा है सर, आंसर दे रहा था, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर बता रहा है। अच्छा मैंने कहा पिच का निकालने का टाइम कितना है, पिच की डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू एक रिवॉल्यूशन में टाइम होता है तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है, तो पिच की अगर कोई वैल्यू निकालेगा तो पिच की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी कौन सी वाली पैरेलल जो इस डायरेक्शन में मोशन को रिस्पॉन्सिबल है इनटू सर एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लग रहा है इतना, तो जो पिच की वैल्यू आने वाली है कितनी आएगी, टू पाई एम बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। ध्यान रखना ये थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, कल को थीटा ये वाला एंगल दे दिया और सारे फॉर्मुले रटे हुए होंगे और सारे लगा दोगे, मैं इसलिए कोई फॉर्मुले रटने को नहीं बोलता, मैं इसलिए करा करा के दिखा के बता रहा हूँ आपको। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस, यस सर, एनी काइंड ऑफ डाउट सर? बोलते बोलते सर, टी में आप साइन थीटा क्यों नहीं आया? अरे वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू आएगी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी डिवाइड बाय बी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा से कैंसिल, किसको डाउट था, क्लियर है? कौन था, किसको डाउट था ये? राघव सर, राघव, राघव चावला कहाँ चला गया, सदमे में चले गया तो। अरे भाई साहब एक वैल्यू नहीं छुट्टी उसी में लोग जाते, लो एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी और वी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। अरे जिंदगी में पहली बार ही बात की थी कि सर टाइम पीरियड तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वगैरह पर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो कहाँ से वेलोसिटी के कंपोनेंट फर्क पड़ेगा। चावला जी, यस सर, हो गया क्लियर। चलिए एक आध स्टेप खुद करके भी देखा करो यार, हवा में बातें कर लेते हो यार, एक स्टेप ला दो बस उसी में गायब हो जाते हो। चलिए एक क्वेश्चन नोट करो क्या, सिंपल सा क्वेश्चन, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो फिर बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट दो पॉइंट नोट कर लो। फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वाला पॉइंट था जो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड पेस ऑफ द पाथ। सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लो, सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट इट डाउन फास्ट, सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, भाई साहब फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगा, क्यों रहेगा सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि आप बोलते हो ये बी क्रॉस बी है, बी क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है वो बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, दो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर का, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बी, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बी बोथ, इट मींस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, if the force is always perpendicular to the velocity it means the work done by this force is always zero, kyunki aap bolte ho ki sir har instant pe force perpendicular hai, to sir thoda displacement thodi der baad maan lo velocity direction li ho gayi, fir thoda displacement hua to displacement is direction hoga, ab displacement is direction hoga aise aap bologe displacement chota sa displacement ki baat karo to kya hoga, hamesha velocity direction mein hoga
और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी जीरो, है ना? आप क्या बोलोगे कि सर वर्क डन विल बी जीरो since force is always perpendicular to velocity, that's why the work done by the magnetic force is always zero. If the work done is always zero, it means change in kinetic energy is zero. If the change in kinetic energy is zero, it means the kinetic energy remains constant. If the kinetic energy remains constant, that means the speed will remain constant. Is it clear? Shubham? Yes, sir. So, why is it that the force, velocity ka magnitude kabhi change nahi kar payega? What is reason? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए अगर आपने शुभम खैर आप मेरी क्लास अटेंडिंग के 11th वाली क्योंकि आपका भी अपना बिहार के हैं मैंने बहुत क्लियरली लिखवा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए तभी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट यहाँ ऐसा कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है इट मींस कोई भी एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है दैट इज हैपनिंग राइट एंड क्यों नहीं कर सकता सर क्या बोल रहे हो बाहर खाना खाऊं सर जो वो क्या बोलते सर काइनेटिक एनर्जी के कांस्टेंट होने से क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है सर आपने बताया ना काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी अमन बॉल एक चैप्टर का नाम होता था वर्क एनर्जी एंड पावर है ना उसमें एक वर्क थ्योरम होती थी वर्क एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट आ रही है क्योंकि सर वर्क डन जीरो आ रहा है तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब वी कांस्टेंट आ रहा है वी मतलब क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड कौन सी तरह हूं बेटा नहीं सर मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड से मतलब जीरो एक्चुअली क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लगी रही है वो क्या पूछना चाह रहे हो नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एक तो तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा अटक रहा है क्या पूछना चाह रहे हो एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड अमन पॉल का क्वेश्चन मेरे को सर मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स की वजह से वेलोसिटी पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा तो सर इसका मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी की बातें करता है हाफ एमवी स्क्वायर स्पीड डायरेक्शन की बात नहीं करता डायरेक्शन तो चेंज होगा वेलोसिटी तो चेंज होगी वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन होगा चेंज डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं बोल रहा हूं कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है 11वीं कक्षा में मेरी सब बातें हमने बहुत डिटेल में की हुई है बोल साहब ठीक है सर समझ गया सर सर जो हमने ये एंगुलर वेलोसिटी वाला पॉइंट देखा है कि वो वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा वो सारे केसेस पे बोलना चाह रहे हैं कान्या यस सर आई डिडंट गेट एनी सिंगल वर्ड Your voice is breaking a lot. अगर कोई समझ गया हो तो please explain to me. आगे बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आपकी आवाज या मुझे टाइप करके भेज दो because I am not getting what you are saying. किसी को समझ में आया तो please explain the question. तान्या का question जो किसी को समझ में आया तो सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला जो हमने एंगुलर वेलोसिटी वाला जो हमने पॉइंट लिखा है वो सारे केसेस पे एप्लीकेबल होगा ना पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाओ लास्ट तो समझ जाओ कि सारे केसेस पे एप्लीकेबल होगा ये लाइन में क्लियर है एंगुलर वेलोसिटी वाला एंगुलर वेलोसिटी वाला पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी टाइम और फ्रीक्वेंसी ये वाला कांसेप्ट बोल रहे हो यस सर हां हां बिल्कुल आप खुद देखो ना सारे पे वैलिड है वो क्यों नहीं वैलिड ये मैं कुछ बोल तो ना अपने मन से आपके सामने लिखा हुआ है टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो 2 पाई एम बाय क्यू बी दोनों ही केस सारे केसेस में आ रहा है ठीक है चलो क्लियर है यहां तक किसी कोई दिक्कत एक क्वेश्चन नोट करो अब चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज अंतर क्या होता है? एनीवन? नो वन. स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास ऑफ द बॉडी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द बॉडी. देख लो, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज ब्रैकेट में लिख लो दैट इज चार्ज अपॉन मास, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 कूलम पर मीटर. अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज 0.2 कूलम पर मीटर इज मूविंग वेलोसिटी is moving with velocity. सर आपने यूनिट क्या बताई? कूलम पर ग्राम. कूलम पर मीटर बेटा, कॉमन सेंस लगाओ. चार्ज पर मास की यूनिट क्या होगी? चार्ज पर मीटर. बेटा चार्ज अपॉन मास की यूनिट क्या होनी चाहिए तेरे हिसाब से? गोविंद बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके आया कर. सर कूलम पर, कूलम पर मीटर ही होगी ना. चलो, is moving with velocity 2i cap minus 3j cap meter per second. 2i cap minus 3j cap meter per second. In a uniform magnetic field. Sir, velocity क्या बताइए आपने? Velocity. क्या? Velocity क्या बोली सर आपने? In a uniform magnetic field, 3i cap, sorry, 3i cap, 5i cap plus 2j cap, 5i cap plus 2j cap, Tesla, magnetic field is assigned to Tesla, at an instant. Find the acceleration at that instant. Find the acceleration at that instant. कितना टाइम लगेगा आंसर निकालने में? दैट्स वेरी गुड. 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायरेक्शन भी बताया करो. दैट्स जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में बताना चाहिए. बाकी सही किया आपने. अमन पॉल पूछ रहा है कैसे होगा. अबे एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास. फोर्स निकाल ले, एक्सेलरेशन निकाल ले. सर 3.8 ही है भाई साहब. देखें फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इनटू वी क्रॉस बी. आप बोलोगे एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास. एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन मास मतलब क्यू अपॉन मास इनटू वी क्रॉस बी. आपको क्वेश्चन में चार्ज टू मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0.2. वी क्रॉस बी मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस 5i कैप प्लस 2j कैप.
सॉल्व करोगे तो देखो कितना आया। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सिखाऊंगा बेटा, ऑलरेडी लेवल में बहुत सिखाया मैंने। टू आई कैप और आई कैप का हो जाएगा जीरो, टू आई कैप और टू जे कैप हो जाएगा फोर के कैप, माइनस थ्री जे कैप आई कैप कितना आप बोलोगा आई टी का 15 राइट, माइनस जे का माइनस ऑफ के तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 15 के कैप और जे का जे के साथ तो कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे आ गया ये 19 × 0.2 के कैप, दैट इज इक्वल टू 3.8, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अमन पॉल बेटा क्रॉस प्रोडक्ट सीख के आओ, बार बार बोला था क्लास चैप्टर से पहले कि भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड कर लेना। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सर? क्या बोल रहे हो बेटा? हो गया सर, क्लियर है। मेरे का अच्छा भैया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, माइनस क्यू चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जरा इस पे फोर्स की डायरेक्शन बता दो। पहला केस दूसरा केस सर, फर्स्ट केस में टुवर्ड्स राइट माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब भाई साहब चार टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्थ की डायरेक्शन चाहिए, फोर्थ की डायरेक्शन। पहले केस में सर राइट, राइट सर लेफ्ट, एक सेकंड स्क्रीन ब्लर हो गई क्या? मैंने कुछ गलत गड़बड़ बोल दिया क्या यार गोविंद? शायद मैं गलती करके क्या? हाँ गोविंद मैं गलती कर रहा था। ओके कूलम पर केजी होगा, माय मिस्टेक, माय अपोलॉजी। कूलम पर मास था, यस स्पेसिफिक चार्ज, मैं गलत बोल रहा था, दिमाग में मेरे केजी बोल रहा था बट मैं चलो माय अपोलॉजी गोविंद चलो। ओके सर कोई बात नहीं। पहले केस सर तो माइनस क्या था? देखो भाई माइनस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, लेकिन चार्ज कैसा है? माइनस क्यू चार्ज है। हमने कहा हम हमेशा करंट की डायरेक्शन लेते हैं, करंट की डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी। ये नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी कैसी होगी? ऊपर की तरफ, ध्यान रखें इस चीज को। तो फोर्स डायरेक्शन की तरह नहीं, इधर की तरह, इट मींस टुवर्ड्स लेफ्ट, ये होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन। इधर देखें वेलोसिटी ऊपर तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। देखो वेलोसिटी एफ बी आई, तो पहले पे फोर्स, दूसरे पे बी और तीसरे पे आई, आई मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो फोर्स किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी अंदर की तरफ, इनवर्स। इसकी बात करो इसमें वेलोसिटी आउटवर्ड्स है, वेलोसिटी आउटवर्ड्स है मतलब थर्ड थर्ड वाली जो फिंगर है वो आउटवर्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज पॉजिटिव है, मतलब वी आर डूइंग राइट। और आप बोलोगे फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो फोर्स जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इधर देखो
मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सेकंड फिंगर इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अंदर की तरफ है, बट ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी अगर अंदर है तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं, मतलब बाहर की तरफ, फोर्स इधर आएगा ऊपर की तरफ। ये दोनों सेम केस ही हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की तरफ था। हाँ जी भाई साहब, इनमें किसी भी केस में कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। कितने लोग हैं, सारे आंसर सही आए थे? सर पहला केस लेफ्ट इनटू द प्लेन, केस थ्री डाउन, ये रॉन्ग आया भाई साहब, केस फोर डाउन। मैंने गलत किया कि तुमने गलत किया है? सर थर्ड वाला शायद आपने गलत किया, मेरा सही है। सो वेलोसिटी इधर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। हां ओके ओके ओके, जल्दबाजी में ना करें, गलतियां ना करें, बाकी लोगों के आंसर भी नहीं आते भाई। चलिए इसमें किसी कोई डाउट है, किसी का किसी भी तरीके का डाउट हो भाई साहब तो पूछ लेना, चुपचाप बैठे मत रहना। मैं कह रहा हूं यार, दो ना यार, क्या हो गया, किसकी आवाज थी? है भैया, कौन चीख रहा था भाई? चल ये तो बातें हो गई, जब ये चार पार्टी का माइंड ओपन हो जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और आपके ऐसे कुछ केसेस हैं, थोड़े से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइट तक, मतलब आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रीजन में है। तो आपको पता है कि जब आपने क्यू चार्ज को इस तरीके से वेलोसिटी वी से छोड़ा है तो ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ को अचीव करेगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है और रेडियस आपको पता है कि कितना होगा। प्रॉब्लम पता है क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड एरिया में होता है। मैंने कहा सर यहां से इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इधर इंफिनिट काफी आगे था। अब व्हाट विल हैपन सर, यहां से अगर मैंने मान लो इस तरीके से देखिए ये फील्ड इधर नहीं था, एक क्यू चार्ज को भी वेलोसिटी से अगर मैं इस तरीके से इस लाइन के परपेंडिकुलर एंटर कराया, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा इसके बाद ये बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां है नहीं तो ये वापस से पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब ये कैसा पाथ होगा, सेमी सर्कल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, सेमी सर्कल पाथ। क्या बोला आपने सर, एक बार बताना क्या हो गया बेटा? सर क्या हुआ यहाँ पे? अरे बेटा ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में लगता गया, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोल्ड परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे ही इधर आया इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो खाली एरिया है, तो इस जो अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता, बट इस रीजन में तो ये फोर्स लगना बंद हो गया, तो भाई साहब फोर्स बंद हो गया तो वेलोसिटी सीधी सीधी चली जाएगी, तो ये सर्कल सेमी सर्कल पार्ट बना के रह जाएगा। सर जो हमने पहला वाला केस पढ़ा था उसमें क्या फर्क था इससे? उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरी इनफाइनाइट तक थी, इधर भी खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड थी, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड थी, और मैंने कहीं बीच में छोड़ा था पार्टिकल, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से कभी बाहर जाएगा ही ना, तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। जबकि आप बोलते हो इस वाले पोर्शन में, जिसको स्क्रीन ब्लर आ रही है जल्दी से रिजॉइन कर लो, ठीक है, आप क्या बोलोगे, जबकि यहाँ पे इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा,
ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। मतलब दूसरा केस, ये तो मैंने कब क्या था, इस लाइन के, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जब एंटर किए, मैंने कहा सर अगर मैं इसी लाइन के से कुछ एंगल पर, आपको पता है यहाँ पे रेडियस जो आएगा, रेडियस आएगा वो आएगा एम वी बाई क्यू वी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम वो स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, आप बोलोगे सर हाफ द साइकिल का टाइम स्पेंड करेगा, तो आप बोलोगे जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो टोटल टाइम पीरियड के हाफ आएगी, मतलब बेसिकली कितना आएगी, पाई टाइम्स ऑफ एम बाई क्यू वी, ठीक है, क्योंकि आधी साइकिल ही कंप्लीट कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मान लो अब कुछ एंगल पे, इस लाइन के इस एंगल पे थीटा, थीटा भी एक्यूट है, इस एंगल पे अगर ये एंटर कर रहा है, अब जब ये इस एंगल पे एंटर करेगा तो फिर से देखो सर्कुलर पाथ अचीव करने की कोशिश करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा। अब तो सेमी सर्कल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ केवल उतनी देर होगा जितनी देर ये अंदर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बना के इसका सेंटर बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ का ही सेंटर बनेगा, और अगर मैं ये एंगल निकालने की कोशिश करूं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बनेगा टू थीटा, इसका एंगल बनेगा टू थीटा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो रेडियस की बात अभी भी वही होगा एम बी बाय क्यू बी, उसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लिया था थोड़ी सी, और कैसे भी निकाला है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये थीटा होगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा आ जाएगा, सिमिलर ये ट्राइंगल होगा तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 थीटा आ जाएगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, ठीक है, आपको थोड़े रिजल्ट याद कराने इसलिए मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, बड़े आराम से कर लोगे। मैंने कहा देखो ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंशियल है, तो ये 90 डिग्री होगा, एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, थीटा होगा ये थीटा होगा तो ऊपर वाला भी थीटा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर ये जितना पोर्शन सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड में है उसका जो रेडियस है वो r by 2 है, r by 2 नहीं, रेडियस तो बेटा r = lb / qb रहेगा, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या सर सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होने वाला नहीं। है, सर्कल का रेडियस हां अंदर है उतना डिस्टेंस नहीं, बहुत पटोगे तुम लोग। Not getting your question, your voice is very much breaking. Sir, ये जो सर्कल आपने बनाया है, उसमें ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये उसका सर्कल का पाथ है, हाँ? नहीं सर, कम फ्रेंड्स नहीं, वो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये आगे, ये सेंटर है, हाँ सर उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड में जितना पोजीशन है, क्या क्या सर इसी लाइन में सेंटर है, ये सेंटर से मैंने ये टेंजेंट पे डाला, ये ड्रॉ किया है, तो ये देखिए ये रेडियस है, क्या पूछना चाह रहे हो आप सर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो है वो r / 2 होगा। अच्छा ये बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो क्वाड हो गई, ये तो एक क्वाड हो गई, r / 2 होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, How can you say that it's r by 2? Sir, perpendicular. इसकी बात कर रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक, नहीं क्या ये यहाँ से यहाँ तक, कौन सी बात कर रहे हो, ये जो आपने बात बताया, कोई भी आप बोलोगे आप कैसे बता सकते हो ये डिस्टेंस, ये तो एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, r by 2 कैसे हो सकता है, ठीक है सर, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है तो ये कॉर्ड से परपेंडिकुलर है, आप नहीं कह सकते ये r / 2, ये तो थीटा पे डिपेंड करेगा, अभी थीटा को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो ये एंगल और यहाँ पे इसको मैं और शिफ्ट कर दूं तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, डिपेंड थीटा r / 2 डिपेंड ऑन थीटा,
राइट एंगल में ये थीटा तब आर बाई टू होता जब इसकी कुछ वैल्यू स्पेसिफिक होती 30 या 60 डिग्री पे, तब जाके आर बाई टू हो सकता है, नॉट एट एवरी एंगल. यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी टू टू थीटा एम बाई क्यू बी. कैसे निकाला अगर किसी को सोचना, देखो जब वो 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, जब पूरा सर्कल बनाएगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, बोलोगे 2 पाई, तब टाइम पीरियड कितना आता है 2 पाई एम बाई क्यू बी. 2 पाई एंगल के लिए आता है 2 पाई एम बाई क्यू बी. इसका मतलब आप बोलोगे कि अगर पाई एंगल होता तो देखो पाई एम बाई क्यू बी आया. इस केस में सबटेंड कितना कर रहा है एंगल 180 डिग्री, तो आप बोलोगे अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे तो थीटा इनटू एम बाय क्यू बी. यहां पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 2 थीटा, तो आप बोलोगे 2 थीटा बाय एम बाय क्यू बी. चलिए यहां तक किसी को नहीं, मैंने बहुत सी कोई बात नहीं. अब ये थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू तो थोड़ा सा ध्यान, कभी कभी क्या होता है हम स्मॉलर एंगल दे देते हैं, बस यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. होता क्या है, अगर मैंने कहा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा, अब ये देखो ये सर्कल को कैसा बनाएगा. अब लोगों क्या करता है, ये छोटा एंगल लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा थीटा. अब यहाँ का सेंटर आएगा है ना, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा बेसिकली ये आर्क के द्वारा, वो ये वाला एंगल है. तो अब आप फिर से वही ज्योमेट्री लगाओगे, मैं तो कहता हूँ देखो वही पुराने वाले कंसेप्ट पे चले जाओ, मुझे तो इस एंगल से मतलब है. याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में जब ये ऐसे एंटर कर रहा था तो ये वाला एंगल आपने थीटा लिया था, तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल कितना आया था 2 थीटा आया था. तो अब आप देखो ये वाली साइड एंगल लो, जहां से वो एंटर कर रहा है उस साइड से देखो एंगल, ये वाली लाइन से लोगे अगर थीटा, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा. अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी ये वाली वैल्यू आ गई. इसका डबल एंगल सबटेंड करता है वो किस पे, सेंटर पे, इसका डबल एंगल. तो आप बोलोगे वो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, एक्चुअली 2 पाई माइनस थीटा. ये एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा बस ये एंगल रख दो वहां पे 2 थीटा पे. ये कुछ केसेस हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, इनके आप डायरेक्ट फॉर्मुले भी अगर याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, थोड़ा समझ के फॉर्मुले याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पोर्शन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. सर देखो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहाँ से, मैंने कहा सर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है. ये क्या रखी है, स्क्रीन डी डिस्टेंस. कितने रीजन में ही केवल मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैंने कहा सर यहाँ पे इस ऐसे परपेंडिकुलरली इस लाइन के परपेंडिकुलरली स्क्रीन से होता क्या है, क्या हो गया सर स्क्रीन से क्या होता है. अबे स्क्रीन आ रही है, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है सर, मेरे को एंगल समझ में नहीं आ रहा होता क्या है सर. ये 4 पाई माइनस 2 थीटा होगा ना. चुप रहे पहले, तो तू चुप रहे, तेरी आवाज कट रही है, समझा तेरे एंड पे इशू है. अब स्क्रीन गई है ठीक है सर. मैं पूछ रहा हूँ जो आपने इधर स्क्रीन बनाई है ब्लैक बोर्ड पर, उस स्क्रीन से होता क्या है. तो इस स्क्रीन की बात कर रहा था क्या. यस सर. यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है, अरे यार इस स्क्रीन को कोई कोई बोल दो कुछ भी, आपने बेसिकली ऑप्टिकल रखा है, बस स्क्रीन कुछ भी हो सकता है ना, मिरर रख लो, स्क्रीन रख लो, कुछ भी रख लो, एक जहां पे टकराना है बस कुछ भी, बस इसकी स्क्रीन रखी हुई है ठीक है. मैंने कहा होगा क्या बता दीजिए यार, आप लोग प्लीज इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज मेरे को चैट में मैसेज करो, मुझे आप लोगों के डाउट नहीं समझ रहा सर. वो एंगल पूछ रहा है सर, 4 पाई माइनस 2 थीटा होगा ना भाई, पाई 180 होता है क्या. हाँ यही बोल रहे हो ना,
ये पाई माने सीधा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ए गुप्ता जी, कितनी देर में उलझे हुए थे? चलो मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं ये सर्कुलर पाथ इस तरीके ऐसे लेने की कोशिश करेगा, आप बोलते हो यार ये स्क्रीन को हिट कब करेगा, ये सर्कुलर पाथ देखो ये कौन सा पाथ यहाँ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ जाने की कोशिश करेगा, तो ये स्क्रीन को कब हिट कर सकता है अगर यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये रेडियस से कम रहा, तो अगर आप बोलते हो कि रेडियस बड़ा आ रहा है ना और ये डिस्टेंस भी कम है तो ये पहले हिट कर जाएगा ना, क्योंकि इसे यहां से क्रॉस करते टाइम एटलीस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस इसको कितनी चाहिए आप, इसके बाद तो ये बेंट हो जाएगा सेमी सर्कल में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने तक जाएगा मैक्सिमम आर तक, तो आपने कहा कि टू अवॉइड हिटिंग स्क्रीन आप क्या बोलोगे कि सर डी शुड बी ग्रेटर देन आर, दैट मींस डी शुड बी ग्रेटर देन एमवी बाय क्यू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एडजस्ट करूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन एमवी बाय क्यू इनटू डी, मैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए तब जाके ये स्क्रीन को नहीं करेगी अदरवाइज ये स्क्रीन को हिट कर देगी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत सर? हम बस स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं ना आगे पीछे? हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं ना इसको डिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए? हाँ हाँ कुछ भी स्क्रीन को कर भी सकते, कुछ भी कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन दिया उसमें कभी आपको बी की वैल्यू पूछेगा, कभी डी की वैल्यू पूछेगा, वॉट एवर इट इज, आपको जो भी पूछा जाएगा आप उस हिसाब से आंसर करोगे। अरे भैया स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या लोगों को? सारे मैसेज पड़े हैं क्लियर क्लियर है क्लियर है ना? मुझे मालूम है आज आपके में एंड पे इशू, मेरे एंड पे इशू होना नहीं चाहिए, आज नेटवर्क अच्छा है। आपने बोला कि सर अब बस इतने ही फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है इतने ही रीजन में, मैग्नेटिक की वैल्यू केवल और केवल कंपाइन करके इतने रीजन में और डी की वैल्यू लेस देन आर है ना, आर से तो कम है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड अगर इतने ही रीजन में, तो आपने बोला एंटर कराया यहाँ से वी स्पीड से क्यू चार्ज पार्टिकल को, तो ये क्या करेगा सर सर्कुलर पार्ट करते 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 यहाँ पे जाएगा, सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से फिर ये ऐसा चला जाएगा। क्लियर? आप बोलते हो सर इसका सेंटर इसी लाइन पे लाई करता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लाई करेगा सेमी सर्कल है, तो आप अगर इस पर ऐसे ड्रॉ करो इस लाइन को ज्वाइन कराओ तो आप बोलोगे ये सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर होगी या फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी वो भी रेडियस के बराबर होगी। मान लो कि सर ये एंगल जो हो रहा है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ठीक है, आप बोलते हो कि सर ये अपनी ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से कितना डिफ्लेक्ट होके चली गई, कितना शिफ्ट हो गई, तो आप बोलोगे उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन बाय, तो यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइप और आप बोलोगे ये वाई जो है ये वाई डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें कि कितना डिफ्लेक्शन हो गया ओरिजिनल पार्ट से निकलते टाइम ये कितना दूर निकला, जा तो यहाँ से ला था निकला कहाँ से यहाँ से, तो कितना दूर निकला, तो डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें वाई, तो भाई साहब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आ रहे,
और ये कितनी है, ये भी आर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस, ये भी आर कॉस थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आर है, जिस साइड से ये थीटा एंगल है वो साइड कौन सी होती है, आर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर कॉस थीटा, आपको वाई निकालना है, वाई की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो, तो दैट इज इक्वल टू आर इनटू 1 माइनस, इस टाइप से इस पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना एंगल सबटेन कर रही है, ये डिस्टेंस अगर डी दे रखा है, डी के लिए लेस देन आर है, ग्रेटर देन आर होती तो ये तुरंत तुरंत साइन से आगे इधर निकल जाती है, ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल जो लाइन ऑफ मोशन थी उससे कितना दूर जाके यहाँ से निकली है, तो इस टाइप से इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, बस ज्योमेट्री है, थोड़े बेसिक कंसेप्ट है उनको अप्लाई करके आपसे कुछ भी एक्सक्यूज मी सर, सर जो बोलो छोड़ना नहीं होता सर, मैं कह रहा हूँ कि वो वाला एंगल निकालने के लिए दिया जा सकता है जो जहाँ से वो क्यू निकल रहा है उससे, और माइनस थीटा होगा बेटा, अमन क्वेश्चन इज नॉट वॉइस इज नॉट क्लियर सर, वो सर मैं कह रहा हूँ जिस वेलोसिटी से उसने मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी है वो लाइन से कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बना रही है हॉरिजॉन्टल से, सर 90 माइनस थीटा होगा ना, वर्टिकल से, वर्टिकल से, अरे किससे भी निकाल सकते हो, ये थीटा है तो ये 80 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो आप बोलोगे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यार ज्योमेट्री है यार, कुछ भी निकाल सकते हो, थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री है 9 10th वाली यार, क्लियर है कॉल, यस सर क्लियर है, तो ये तो बातें हो गई बेसिकली, आप होते हो जब भी करो किसी मैग्नेटिक फील्ड, अकेले मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं राइट, मैंने कहा सर अगर मैं मोशन कर रहा हूँ एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले दिन से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, तो मैंने कहा अगर एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन है, ठीक है, और आपने इसमें मोशन करा रहे हो चार्ज पार्टिकल का, तो उस पर दोनों ही फोर्स लग रहे होंगे, क्या लग रहे होंगे, दोनों ही फोर्स लग रहे होंगे, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स, आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ऑब्जर्वर अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा तो आपको क्यू की अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी, क्यू की अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी तो मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग होगा, आप बोलिए मैग्नेटिक फोर्स आपको अलग अलग फील हो सकता है, बट लॉरेंट्ज़ फोर्स फॉर ऑब्जर्वर विल बी सेम, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, तो आप बोलिए लॉरेंट्ज़ फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स जो होता है उसको लॉरेंट्ज़ फोर्स दैट इज नथिंग बट सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू चार्ज का कितना होगा, क्यू ई होगा, और ये कितना होगा, क्यू वी क्रॉस वी होगा, ये दोनों का सम जो होता है इसी को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हमेशा जब भी दोनों ही फोर्स होंगे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्लियर, जो नेट फोर्स है उसी को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स, एंड लॉरेंट्ज़ फोर्स आप बोल सकते हो कि सर दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दी what जो आपको ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप बोलोगे अलग अलग वेलोसिटी दिखेगी आपको अलग अलग ऑब्जर्वर से तो अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है तो आप हो सकते हो उसके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, लेकिन नेट फोर्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है, चलिए इस इसके हम इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स, बस इतनी नॉलेज काफी है इसके बारे में, इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है, चलिए बेटा इस चैप्टर की अभी स्टार्टिंग हुई है, किसको चाहिए टीपीपी, आज देखा जाए तो ढंग से पहला लेक्चर है, पिछले लेक्चर में तुम बात भी नहीं कर पाए ज्यादा, डीपीपी चाहिए सॉल्व नहीं करना है, कल टेस्ट हुआ आप लोगों का, यस सर हुआ था, टेस्ट इधर करो फिर आगे ही पढ़ते हो, टाइम भी नहीं बचा है, टेस्ट के मार्क्स बताओ जल्दी से क्विकली, 12:35 टेस्ट
के मान लो लीजिए चेकबॉक्स में चैप्टर वाइज वो सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल मान लो लीजिए बनाएं। 56 स्टूडेंट्स मतलब लगभग 44 लोग कनेक्टेड हैं जल्दी क्विकली खुशी 140 इंफिनिक्स की ओवरऑल ओवर मार्क्स साथ में आ गए सो ओवरऑल तो वेरी गुड अंशिका 91 कम है दक्ष वेरी गुड गोमेन 122 देख लो कहां लैग कर रहे हो क्वेश्चन उल्टे सीधे फंसे रहते हो और पता नहीं स्कोर नहीं कर पा रहे हो अदिति फिजिक्स 130 इट्स गुड कैन बी बेटर अभिषेक कुमार वेरी गुड 145 एंड 171 वेरी वेरी गुड चैनिका 18 भाई 108 चैनिका बेटा फिजिक्स में बहुत कम है यस सर तान्या फिजिक्स में बहुत कम है 79 चैनिका बेटा प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस बहुत इजी क्वेश्चंस थे खुशी ओवरऑल 50 वेरी गुड आयुषी 119 आयुषी कम है आयुषी कम क्यों है बेटा सर क्वेश्चंस गलत हो गए गलत क्यों हो गए यही तो क्वेश्चन है बेटा देखो आप तुम्हें अपना कॉम्पिटिशन ये जितने लोग भी है ना जो अपने आप को अपनी क्लास का टॉपर मानते थे अलग प्रैक्टिस में थे ए बी एम है ना लक्ष्मीनगर अब यमुना विहार अपने इंडिविजुअल बैचेस में अब आप जब कंबाइन हो रहे हो तो आपको सही कॉम्पिटिशन होना है कि आपके बैच में ही इतना कॉम्पिटिशन है लोग 140-150 अचीव हैं और आप अपने बैच के टॉपर होते हुए भी स्कोर आ रहे हैं इसका मतलब मेहनत कम हो रही है गोविंद चैनिका आयुषी आप लोग जिनको मैं जानता हूँ लास्ट ईयर से उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे और इस वक्त आप बहुत पीछे हैं अमन पॉल 101 अमन पॉल थोड़ा और बढ़ा ले संजोत सिंह 6111 संजोत बहुत अच्छे नहीं है मार्क्स से आप लोगों से और अच्छे मार्क्स से एक्सपेक्टेशन रहती है आदिबा 87 काफी कम है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए प्लीज मयंक राजपूत 126 नॉट बैड मयंक अभिनव थोड़ी सी मेहनत और करें प्लीज 130-140 की तरफ कोशिश करें निधि 82 वर्क ऑन इट निधि ये लक्ष्मीनगर वाली है क्या क्यों निधि ये लक्ष्मीनगर वाली निधि है क्या सर मेरी बैच में थी एक निधि वही लग रही है मेरे को क्या बोल रहे हो जो मेरे बैच में थी निधि वही है अच्छा चलो बेटा गोविंद 122 नंबर लेके शरण आई यस सर हाँ क्यों आ रहे कम एनसीईआरटी भी लगा ले ये वाली बुक भी लगा ले वो वाली बुक भी लगा ले और मार्क्स आ नहीं रहे जितना ज्यादा डाइवर्स हो गए मैं कह रहा हूं भटक जाओगे फोकस रहो एक टाइप का मटेरियल सॉल्व करो 10-10 टाइप के मटेरियल की तरफ भटकोगे हमेशा भटक जाओगे ध्यान रखना बुक्स तो बहुत सारी होती है लगाने के लिए और जो टीचर बोल रहा है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो कि क्यों बोल रहा है वो स्पेसिफिक ही लगाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए बीपीपी सॉल्व करने चाहिए इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड डिफरेंट बुक्स ईएमसीटी केपीटी पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस लगाए पड़ा है उल्टे सीधे क्वेश्चंस मिल जाते हैं उनमें उलझा रहता है टाइम वेस्ट कर देता है और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं अगर आप उठा के देखोगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो आपका पेपर आया था इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एटलीस्ट आउट ऑफ 45 कम से कम 15-20 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जहां तक आपका टेस्ट यही वाले टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं जहां तक मेरी दिमाग में आ रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले टेस्ट में भी अगर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर भी आप कम स्कोर कर रहे हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हमें नीट क्रैक करना है हमें हर चीज क्रैक नहीं करनी है हमें जेईई नहीं क्रैक करना है कि हम हर बुक लगाते फिरें आप हर बुक चक्कर में पढ़ोगे ठीक है तो दिक्कत होगा अमन बॉल इजी था 101 ला रहा है टफ होता क्या कितने लाता केवल 010 लाता चलिए देन आज के लिए इतना ही काफी है आगे क्लास में हम बात करेंगे आगे की कोई डाउट
सो थैंक यू देन एवरीवन गुड नाइट. हेलो हर्षल, हेलो हर्षल.